सरकार चाहे कुछ भी दावा करे मगर भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में अब भी असमर्थ है। राष्ट्रीय खेल हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी असुंता लकड़ा भी भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई है। असुंता लकड़ा को काम कराने के लिए 5,000 रुपए की घूस देनी पड़ गई। लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हुआ। डिबडी इलाके में खरीदी जमीन के काम से रांची के अरगोड़ा अंचल ऑफिस में उनसे 5,000 की घूस मांगी गई। असुंता ने बताया कि प्रॉपर्टी म्यूटेशन के बाद माल गुजारी रसीद काटने का ऑप्शन अरगोड़ा अंचल ऑफिस से लॉक था। रसीद कटवाने के काम से वह अपने पिता के साथ रांची के अरगोड़ा अंचल ऑफिस गई तो वहां उनसे 5,000 रुपए मांगे गए। मई के महीने में हुई घटना के बाद जब असुंता का काम नहीं हुआ तब उन्होंने अपने वकील को भेजा। लकड़ा के वकील से भी 5,000 रुपए की मांग की गई। हालांकि डीसी से शिकायत के बाद गुरुवार को सीईओ रविंद्र कुमार ने उन्हें फोन कर बुलाया और लॉक रसीद दी। इस तरह की घटनाएं दर्शाती है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की चरमराती व्यवस्था को। न्यूज़ डेस्क।